क्या बात है, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टेड ट्राइंगल्स में नहीं पता है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट, पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज योर स्टडी। आई एम विथ यू अभिनंदन कुमार झा। इन दिस क्लास यू यू लर्न द न्यू टॉपिक दैट इज क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल्स। In this class, we are going to learn what are the criterion. Based on that, I will say that for two triangles, these are similar. I will also correlate with the previous sections, that is the Thales theorem and the converse of Thales theorem. So here, in this class, we learn the criteria of similarity of triangles. What is that? In the previous section, you have learned that. पिछले सेक्शन में आपने पढ़ा था थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो उसमें आपने, उससे पहले आपने सीखा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है। अरे भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स तभी होगा जब उसमें उसके शेप्स बराबर होंगी, मतलब शेप्स इक्वल होना चाहिए। यार दो, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रेटिक कभी भी बराबर नहीं होता भाई। एक ट्रायंगल बराबर मतलब सिमिलर, मैं ग्राफ में छोड़ो, सिमिलर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का शेप अलग है। एक ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में सिमिलरिटी, क्योंकि यहां पर शेप बराबर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी दो ट्रायंगल हमेशा आपस में सिमिलर ही होंगे। यस, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर होना चाहिए। अगर वो इक्वी एंगुलर है तो 100% हम श्योर है उसका शेप बराबर होगा और वो सिमिलर हो। तो ये दो बातें हमने पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो जब वो इक्वी एंगुलर होंगे, ठीक है, तब जाके ये चीजें होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा। अगर ट्रायंगल हमें दिया ही है कि वो सिमिलर हैं, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उससे हम ये इंफ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्या, कि अगर मान लीजिए एबीसीडी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है सॉरी, और डीईएफ दूसरा ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि ये ऊपर वाला है तो ये भी ऊपर वाला ही लेना है, और अगर एंगल बी है और ये एंगल ई है, ये दोनों इक्वल है, चाहे साइज कुछ भी हो उसका, छोटा बड़ा चलेगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो अगर वो सिमिलर है तो ये बातें हो सकती है, साथ साथ उनके साइज प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ए बी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे ई एफ, एंड सी मतलब बाई अपॉन कहेंगे एंड सी ए बाई एफ डी। तो ये चीजें हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसा और क्या क्या कंडीशन हो सकता है जिसमें हम ये कह सकते हैं भाई, ये तो हो गया कि जब सिमिलर होंगे तब हम कह सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर कौन कौन से कंडीशन में होंगे। भाई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर हो जाता है, लेकिन दो आइसोसेलस ट्रायंगल है तो वो सिमिलर नहीं होते। वो कौन से कंडीशन में सिमिलर होंगे, ऐसे क्या क्या क्राइटेरियाज है, इस पर बात की गई और हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कुछ थ्योरम्स के रूप में, जो है यहां पर थ्योरम 6.3 क्या कहता है, स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उन्होंने कहा कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दो ट्रायंगल है और उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, समझना है ध्यान से, सुनना है ध्यान से, देखिए यहां पर इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पर बोला गया कि उसका एंगल बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल है, कहते हैं कि उसका जो ए साइड है वो